भाजपा के बैठक और केंद्रीय योजनाओं पर लोगों से चर्चा करेगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की योजना केंद्र में फेल हो चुकी है। ऊंचा दुकान और फीका पकवान केवल नाम मात्र का रह गया है। LIC के शेयर्स में गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जाया करते थे। रेल बंद करने को लेकर कॉम्पिटिशन हो रहा है। आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे के समाधान के लिए इनके कोई कारगर उपाय नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम कहकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो निकल कर सामने आ रहा है भाजपा केंद्रीय योजनाओं के हितग्राहियों को साधने के लिए जो है चलेगी। अब आज समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का योजना केंद्र में फेल हो चुकी है। ऊंचा दुकान और फीका पकवान केवल नाम मात्र का रह गया है। पूरे देश का अर्थव्यवस्था केवल 4-5 लोगों तक ही सिमट कर रह गया है, बाकी पूरा देश सड़क पर है। शेयर बाजार जो है वो सूचकांक होता है अर्थव्यवस्था का, मार्केट का, कि कौन आगे है कौन पीछे है, किसका रेटिंग क्या चल रहा है। तो इस समय इनका न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया है। लोग अपना पैसा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। LIC में बहुत गिरावट आया है, उनका शेयर न्यूनतम उस पर चला गया है। लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोकसभा में लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा हो, पता चले कि ये जो बड़े प्लेयर हैं इनके पीछे कौन है। लोगों का पैसा दांव पे लगा करके इनका रेटिंग बढ़ाने का काम कौन कर रहा है। तो आज गरीबों के लिए देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, किसानों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात थी उसके लिए कुछ नहीं है। लगातार केंद्रीय मंत्री ट्रेन को, नई रेल लाइन को, नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहले जाया करते थे। आज समाचार में निकलता है कि इतना ट्रेन रद्द, इतना ट्रेन कैंसिल। जनसंख्या बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आपका जो कंपटीशन है वो रेल बंद करने में चल रहा है। देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप?